यही स्थिति बनी रही तो पार्टी तो बर्बाद हो जाएगी। तो मकसद बड़ा है, इसलिए कोई क्या बोलता है उसका कोई अर्थ मेरे लिए। लिखित रूप में उपेंद्र कुशवाहा है और मौखिक रूप में कह रहे हैं कि नहीं है। तो जो झुंझुनू की बात जो हम कर रहे थे, इसको ललन सिंह जी ने बोलकर स्वयं साबित कर दिया है। तो यह पार्टी उनकी नहीं है, यह पार्टी शरद यादव जी की पार्टी है। उसी पार्टी को शरद जी को ही भगा करके कब्जा कर लिया गया। देखिए, बैठक में क्या कौन बोल रहा है उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा नहीं करता है। बैठक बड़ा मकसद को लेकर के है। पार्टी के साथ जो करोड़ों लोग बिहार भर में जुड़े हुए रहे, आज एक अलग आरजेडी से डील की चर्चा हो रही है। उस डील में अगर सच्चाई है तो बिहार के लोग उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हुए करोड़ों लोग उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और इस बात को लेकर लोगों के मन में चिंता है कि आखिर क्या होगा। तो जिनके मन में भी चिंता है पार्टी के साथियों के साथ, यही स्थिति बनी रही तो पार्टी तो बर्बाद हो जाएगी। तो पार्टी को बर्बादी से बचाने की चिंता रखने वाले लोगों को हमने बुलाया है। तो मकसद बड़ा है, इसलिए कोई क्या बोलता है उसका कोई अर्थ मेरे लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अब हैं ही नहीं। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं ना, हम तो पहले से कह रहे हैं कि कागज में जो कागज उनका आज भी कह रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा से बने ललन सिंह जी, उनके अध्यक्ष बनने के बाद भी कई बार जो राज्य कार्यालय से सर्कुलर जारी हुआ है, जो रिलीज जारी हुआ है, उस रिलीज की कॉपी आप लोगों के कार्यालय में भी होगी। उस रिलीज के हिसाब से देखिए तो उसमें बार बार लिखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड, तो उसमें यह बात लिखी गई है। तो लिखित रूप में उपेंद्र कुशवाहा है और मौखिक रूप में कह रहे हैं कि नहीं है। यही बात तो हम कह रहे थे कि कागज में इन लोगों ने बना दिया, लेकिन एक झुंझुना थमा दिया। तो जो झुंझुना की बात जो हम कर रहे थे, इसको ललन सिंह जी ने बोलकर स्वयं साबित कर दिया है। नीतीश कुमार जानते हैं कि जदयू हमारी पार्टी है और आप लगातार आए गए, तीन बार आए लगातार, मतलब उनका कहना है कि आपको भगोड़ा साबित कर दिया। देखिए, जनता दल यूनाइटेड किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं, करोड़ों लोगों की पार्टी है। इसलिए उनकी पार्टी का कोई मतलब नहीं। और अगर व्यक्ति के रूप में भी अब नीतीश कुमार जी नेता हैं, मानते हैं कि उनकी पार्टी है, तो यह पार्टी उनकी नहीं है, यह पार्टी शरद यादव जी की पार्टी है। शरद यादव जी ने इस पार्टी को बनाने का काम किया था। समता पार्टी बनी थी जो नीतीश जी की पार्टी थी, तो नीतीश जी उसमें समता पार्टी को विलीन कर चुके। अब जनता दल यूनाइटेड शरद यादव जी की पार्टी, उसी पार्टी को शरद जी को ही भगा करके कब्जा कर लिया गया। और नीतीश जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी कैसे उनकी पार्टी है, नहीं है उनकी पार्टी। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।